मामा की बेटी की शादी है और मैंने देखिए येलो कलर का सूट डाला हुआ है और जिस तरीके का है देखिए। और अभी हम लोग गार्डन में आ गए हैं और आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी, बहुत ज़्यादा कदर हो रही है। मैं इधर रूम में आ करके बना रही हूँ अलग साइड में वीडियो, तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके की चुड़ियाँ पहनी हुई हैं देखिए। और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके बताइएगा। और चलिए आप आते हैं बाहर। हेलो फ्रेंड्स, देखो बाहर कितना अच्छा लग रहा है और सर्दी भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, आज तो शादी में क्या मज़ा आएगा देखते हैं। और देखिए पीछे मेरा पूरा खुला हुआ है क्योंकि अभी बारिश हो रही है हमारे इधर भोपाल में। और आज देखिए गुड़िया की शादी है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बेबी देखिए इधर घूम रही है और ये दोनों भी इधर ही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। बट बारिश होने के कारण ना सब कुछ गड़बड़ हो गया है क्योंकि जब बारिश हो जाती है ना शादी में तो फिर इतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। बट फिर भी शाम तक देखते हैं अगर मौसम खुलता है तो। और देखिए मैंने स्वेटर पहन ली है और ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो चलिए आपको घुमाते हैं है ना गार्डन में इधर। तो ये देखिए बाहर कुछ इस तरीके का मौसम है और बारिश हो रही है और देखिए ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश रुकेगी नहीं क्योंकि मौसम ही इस तरीके का बन रहा है। कल तक धूप निकल रही थी, मैंने माता पूजन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट आज देखिए कितना अलग हो गया है मौसम। और मामा जी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था बट सारा कुछ ख़राब हो गया है। तो आज इंजॉय करने का दिन था बट फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जब अपने मिल जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का ये जो हॉल या गार्डन इन लोगों ने किया हुआ था बुक, वो कुछ इस तरीके का था। सारा डेकोरेशन जो है उन लोगों ने निकाल लिया है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी अभी थोड़ी देर पहले और अभी भी आप कैमरे के सामने देख पा रहे होंगे कि बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। तो देखते हैं आज, और चलिए आपको अंदर घुमाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर देखिए हमारे इधर ये मायरा बोलते हैं या फिर भात या फिर पैरावनी बोलते हैं, तो ये वही हो रहा है। किसी ने नानी बाई का मायरा अगर देखा होगा तो वो तुरंत समझ गया होगा कि ये वही है जो लड़की वाले जो लड़के वालों के इधर के लिए सबके लिए कपड़े लेकर के आते हैं। तो ये वही कपड़े जो हैं दिए जा रहे हैं सबको, जिन जिन की लड़कियाँ इधर हैं उनकी सबके मायके वाले आए हुए हैं और अपनी बेटी के साथ साथ उसके परिवार खानदान सबके लिए कपड़े लाए हुए हैं। तो ये वही सब लोग दे रहे हैं जिन जिन के लिए लाए हैं। हमारे इधर इस तरीके से ही पैरावनी होती है या भात दी जाती है। तो ये देखिए मेरी मामी जी खड़ी हैं और ये मेरी मासी लोग हैं क्योंकि ये इनका मायका है और ये मेरी छोटी वाली भाभी के ससुराल वाले जो हैं मायके वाले जो हैं वो कपड़े दे रहे हैं सबको। तो इस टाइम बहुत मज़ा आता है और खाना बाहर रेडी है। चलिए आप लोगों को खाना दिखाते हैं कि खाना किस तरीके का तैयार है। तो ये देखिए सलाद वगैरह रखा हुआ है, मैं इसमें आपको बोलूँगी नहीं, मैंने सारा एडिट कर दिया है और आप लोग खाने इंजॉय कीजिए और आ जाइए हमारे मामा जी की शादी में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जयमाला का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी आप लोग मेरे साथ देख पाएँ और देख पाएँ कि भोपाल में किस तरीके की शादी और क्या क्या रीति रिवाज हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के एंड तक और इन्जॉय कीजिएगा हमारे साथ साथ हमारे इधर की शादी भी। तो मेरा वीडियो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, एक सब्सक्रिप्शन हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए।
देखिए बेबी अपना रसगुल्ला खा रही है और कितने अच्छे से खड़ी हुई है। देखिए जैकेट भी पहन के रखा है, टोपा भी पहन के रखा है और कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आप लोग हो जाइए मेरी जयमाला की वीडियो देखने के लिए रेडी। तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।